लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और आज बुलडोजर एक्शन होगा मोहित की संपत्ति पर। तो अयोध्या से गैंगरेप का मामला सामने आया था जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान को आरोपी बनाया गया, तो वहीं अब मोहित के संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। योगी का बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है, थोड़ी देर में इनकी जो बेकरी है वो नेस्त नाबूद कर दी जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, फोर्स मौके पर मौजूद है और साथ ही थोड़ी देर में कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार कल मिलने के लिए भी पहुंचा था, सीएम से मुलाकात की और साथ ही बुलडोजर एक्शन की जो मांग है वो पीड़ित परिवार की तरफ से सीएम से की गई थी। तो अयोध्या में नाबालिग के साथ में रेप के मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अब बस कुछ ही देर में जो कार्रवाई है उसे शुरू कर दिया जाएगा। मोहित खान की बेकरी समेत कई संपत्तियां जिसको चिन्हित किया गया है जहां एक्शन हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें, शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी और साथ ही आज फिर से राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी और मोहित खान वो अपना सामान खाली कर रहे हैं। ये देखिए, ये बेकरी है, ये बेकरी के जो बर्तन है जो यहाँ पे तो मोहित खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ ही कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। और साथ ही इससे पहले जब हमने आपको बेकरी की तस्वीरें दिखाई थी, बेकरी को सील कर दिया गया है, साथ ही जो लाइसेंस था बेकरी का उसे भी रद्द कर दिया गया है। मोहित खान की बेकरी भी इस निशाने में आई है और उसके अलावा जो बेकरी में बन रहे सामान थे उसका भी सैंपल लिया गया और खाद्य आयुक्त की टीम भी मौके पर पहुंची थी और साथ ही बेकरी का लाइसेंस भी रद्द किया गया था। और इसके साथ ही नाबालिग से बलात्कार का ये पूरा मामला है जिसके बाद एक और गंभीर आरोप लगा है कि मामले में सुलह ना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता को ये धमकी अस्पताल में दी गई है। परिजनों को सुलह ना करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी नेता और साथ ही नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और समाजवादी पार्टी के नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आरोप ये लगे हैं कि सपा नेता नाबालिग बलात्कार पीड़िता से सुलह न करने पर धमकी देने के लिए अस्पताल गए थे और एफआईआर में ये भी कहा गया कि सपा नेता और साथ ही नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और साथ ही एक अन्य का भी नाम सामने आ रहा है और कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इन तीनों के खिलाफ। और आरोपी रात को 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह ना करने की धमकी देने पहुंचे थे जिसके बाद में मुकदमा एक बार फिर से दर्ज कर लिया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अयोध्या से ये मामला सामने आया था, गैंगरेप की ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई है जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद में आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर लंबे समय से उसे ब्लैकमेल करते रहे और बारी बारी से बलात्कार करते रहे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई थी और 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। और इसके बाद में अब समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी के एक नेता ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पहले भी कई लड़कियों को निशाना बनाया गया लेकिन उस वक्त उन लड़कियों ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी जिसके चलते मामले का खुलासा नहीं हो पाया। तो आरोप ये लगे हैं कि 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत से मजदूरी करके वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक शख्स ने रोका
और उसके बाद में बेकरी तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बस कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और साथ ही मोहित खान की जो संपत्तियां हैं कई जगह पर बुलडोजर आज गरजेगा और कई संपत्ति को आज कुर्क किया जाएगा। इससे पहले संपत्ति की पैमाइश की गई थी। तो अयोध्या में नाबालिग के साथ में बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान पर मामला दर्ज किया गया और बुलडोजर एक्शन की तैयारी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मोहित खान की बेकरी समेत कई संपत्तियां हैं जिस पर आज एक्शन हो सकता है। कल राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी और आज एक बार फिर से राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और मोहित खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ ही कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। मोहित खान की बेकरी पर जो सामान बन रहे थे उसका भी सैंपल खाद्य विभाग की टीम ने लिया है और साथ ही इसको गिराने का आदेश हो चुका है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर में मोहित का घर जमींदोज कर दिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं कि बुलडोजर सामने हम खड़े हुए हैं, ये बुलडोजर आ गया है। कुछ थोड़ी देर में चीफ आरोपी है मोहित खान जो बेकरी उसको बहुत चलने जा रहा है और उसी के साथ एक राजू और बुलडोजर पर देखिए किस तरह से कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो कुल मिला के बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है। बताते हैं ये मुस्लिम बाहुल देखते हुए फोर्स के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी ही देर में बस बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। सबसे पहले उनकी बेकरी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि जो उनकी बेकरी है वो तालाब की जमीन पर बनाई गई थी जिसके लिए यहाँ पैमाइश की गई। इसका नाम जो कि कुल मिला के SDM सोहावल अशोक सैनी अपने टीम के साथ मौके पर है और बुलडोजर पहुंच चुका है। योगी का बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में इनकी जो बेकरी है वो नेस्त नाबूद कर दी जाएगी। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ में KB शुक्ला जुड़ गए हैं। KB, क्या अपडेट, क्या हलचल आपके आसपास, और साथ ही ये भी बताइए और कितना वक्त लगेगा कार्रवाई शुरू होने में? देखिए सपा नेता मुख्य आरोपी जी मोहित खान की जो बेकरी है उस बेकरी के सामने देखिए बुलडोजर पहुंच चुका है। बस कुछ ही क्षण में उसकी बेकरी जो है नेस्तनाबूद होने वाली। बताया जा रहा कि जो बेकरी बनाई गई थी वो तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। जो जब पैमाइश की गई तो माना गया कि ये बेकरी जो है वो तालाब की जमीन पर है। देखिए बुलडोजर धीरे धीरे एक्शन की तरफ बढ़ रहा है, बेकरी तरफ बढ़ रहा है। बस कुछ ही चंद में कुछ ही क्षण में उसकी बेकरी जो है नेस्तनाबूद होगी। गेट के अंदर जो है बुलडोजर माना जा रहा है कि जिस तरह से पीड़ित परिजन योगी से मिले थे उसके बाद कार्रवाई तेज हुई और SHO और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया और SDM सोहावर के नेतृत्व में पैमाइश शुरू हुई, उनकी जमीनों की नाप जो शुरू हुई और अब कार्रवाई का वो छण आ गया है। बुलडोजर मौके पर पहुंच गया है। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं, दिखा रहा हूं आपको कि जिस तरह से बुलडोजर पहुंच चुका है। आप देखिए बुलडोजर मूव कर रहा है बेकरी की तरफ और कुछ ही क्षणों में इस बेकरी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से सपा नेता मोहित खान गैंगरेप का मुख्य आरोपी है और उसी के साथ ही कार्रवाई भी शुरू हुई है। हालांकि दोनों जो आरोपी है उसका नौकर मोहित खान जेल में है। सपा नेता और भाजपा के चेयरमैन मोहम्मद रास्ते ने दबाव बनाया था, उसके खिलाफ भी कुछ पॉइंट नगर में केस दर्ज हुआ। कुल मिला के फोन मिला होता है भैया, बिजवल बिजवल मारो बिजवल, अरे बनाओ बिजवल। देखिए किस तरह से ये जो है बुलडोजर मूव कर रहा है। बस हालांकि रास्ता थोड़ा सकड़ा है इसलिए बुलडोजर को दिक्कत हो रही है, लेकिन अब कार्रवाई तुरंत शुरू होने वाली है।
यहाँ पर मदरसा जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है, इस कारण जो है पूरे मदरसा में फोर्स तैनात कर दी गई है। और अब कुछ ही क्षण में कुछ ही पल में बस नेता नाबूद होने वाला है। इसके जो बेकरी है जो मोहित खान की बेकरी बस कुछ ही क्षणों में को नेस्तनाबूद करने के लिए आप देख लीजिए किस तरह से जो है सपा नेता ने दुष्कर्म को अंजाम दिया था, गैंगरेप को अंजाम दिया था नौकर के साथ। और आप भुगतने के लिए भी वो तैयार रहे। सीएम योगी का बुलडोजर मौके पर है और कुछ ही क्षणों में उसकी बेकरी को जो है वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कुल मिला के जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है मामले में SHO और चौकी इंचार्ज को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। और प्रशासन के आदेश पर SDM सुहावल ने नाप जो जमीनों की थी तो कुछ जमीनें जो हैं वो तालाब की जमीन पर पाई गई है। उसका जो बेकरी है वो तालाब की जमीन पर पाई गई थी, इसी कारण उसकी बेकरी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बुलडोजर पूरी एक्शन में है, आप तस्वीरों को देखिए, पूरी एक्शन में बुलडोजर है। ठीक है, लेकिन मोहित, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां ये पूरी कार्रवाई होनी है। बेकरी को लेकर क्या जानकारी है, कब ये बनाई गई थी और साथ ही कितने साल पुरानी है, कब से यहां पर ये काम चल रहा था? देखिए, सपा नेता जो भी है यहाँ पर कोई भी जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरह सपा नेता रात में सुलह करने का प्रयास किया था, धमकाया था, उनको पैसे देने की कोशिश की थी, तो वो सब मामले विफल हुए हैं, उनके खिलाफ आया दर्ज हुई है। तो कुल मिला के सपा नेता के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हुई है। बुलडोजर का जो एक्शन देखिए मूव कर गया है, बस दीवार गिरने वाली है। ये देखिए तस्वीरों में, शानदार तस्वीर देखिए हम दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो से, बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। ये देखिए, ये मोहित खान जो सपा नेता है, जो गैंगरेप का मुख्य आरोपी है, उसके बेकरी को नेस्तनाबूद करने के लिए बुलडोजर बिल्कुल तैयार हो चुका है। किसी भी क्षण किसी भी समय इसकी दीवार यानी कि इसकी बेकरी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों से जो आश्वासन दिया था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करें, तो उसको लेकर जो है अब बुलडोजर बिल्कुल तैनात है। किसी भी समय जो है बुलडोजर अपने एक्शन के मूड में है। हालांकि रास्ता सकड़ा है, थोड़ा पतला है, इसलिए बुलडोजर को दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रयास पूरा हो रहा है। हालांकि आज इस पर कार्रवाई निश्चित है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भदरसा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो पूरे भदरसा में PSC लगा दी गई है, फोर्स तैनात कर दी गई है, जिस तरह कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जो है चारों तरफ से ही घेराबंदी की गई है। ये देखिए बुलडोजर जो है बिल्कुल तैयार है। तो रास्ता थोड़ा सकड़ा है, इसलिए थोड़ा बुलडोजर को दिक्कत हो रही है। रास्ता सकड़ा होने के कारण थोड़ा बुलडोजर को दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रयास पूरा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन केवी, कितनी और संपत्तियां हैं, क्योंकि लगातार मकान का भी यहां पर जिक्र किया जा रहा है, बेकरी की तस्वीरें हम लगातार देख ही रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और संपत्ति है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो अवैध पाई गई है, गिराया जा रहा है, पुलिस फोर्स मौजूद है, एक एक जमीन को यहाँ देखा जा रहा है, नापा जोखा जा रहा है, पैमाइश की जा रही है कौन कौन सी अवैध है। फिलहाल की बेकरी जो है अवैध पाई गई है, कि तालाब की जमीन पर बनाई गई थी, इसको गिराने के लिए, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए बुलडोजर एक्शन के मूड में है। बस हालांकि थोड़ा रास्ता टकरा हो रहा है, इसलिए जो है कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन किसके संरक्षण में ये बेकरी बनी थी, कितने साल पुरानी है, क्या समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जब ये बेकरी यहाँ पर बनाई गई? क्योंकि लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी जमीन पर अगर लंबे समय से इस तरह से बेकरी बनाई जाती है तो पहले इससे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कार्रवाई शुरू हो रही है। रास्ता हम आपको बता दें कि रास्ता सकड़ा होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। हालांकि बस कुछ ही क्षणों में बताया जा रहा है कि बुलडोजर के जो दिशा है उसको बदली जा रही है, उसका जो मेन गेट है मेन गेट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक्शन है वो एक्शन तो हो के रहेगा, क्योंकि बुलडोजर मौके पर है, फोर्स मौके पर है। अवैध तरीके से बेकरी बनाई गई थी, बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। जो भी यहाँ सैंपल लिए गए थे वो झांसी प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, ताकि इनके जो बनाए गए थे, जो प्रोडक्ट बनाए गए थे, वो उसमें कितने केमिकल थे, किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया थे, वो मानक के अनुरूप फेक नहीं थे, इसकी भी जाँच की जा रही थी। कुल मिला के जो मुख्य आरोपी है गैंगरेप का मोहित खान, उसकी प्रॉपर्टी पर अब शिकंजा कस गया है।
पीड़ित परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने आश्वासन दिया था कि कठोर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई की एक वानगी भद्रासा में देखी जा रही है, उसके बेकरी को तोड़ा जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि बगल में तालाब है और तालाब के बीच एक सकरा रास्ता है, उस सकरे रास्ते में कार्रवाई करने में बुलडोजर को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब बताया जा रहा कि बुलडोजर का रुख थोड़ा बदला जाएगा ताकि कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बुलडोजर मौके पर है, फोर्स मौके पर है। तो कुल मिला के जो मेन आरोपी है गैंग रेप का मोहित खान, सपा नेता, भद्रासा का सपा नगर अध्यक्ष, अब उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। हमारे साथ एजीएम साहब, एजीएम साहब किस तरह कार्रवाई शुरू हो रही है, किस तरह क्या कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच की जा रही है। तो कुल मिला के ये एसडीएम एसडीएम सुहावा अशोक सैन जी थे जो बता रहे थे कि इनके प्रॉपर्टी की और भी जांच हो रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि इधर आ, इधर देखिए किस तरह से फोर्स से आप देखिए कहा जा रही है। हमारे साथ प्राधिकरण के सचिव सत्येन जी आ गए, सत्येन जी क्या कहेंगे कि वो 12 वर्ष से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी और कुछ प्रॉपर्टी उनकी है इस तरह की जानकारी। फिलहाल ये अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येन प्रताप सिंह जी बता रहे थे कि प्रॉपर्टी पूरी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है उन सब जांच हो रही है। यहाँ पर एसडीएम सुहावल के साथ साथ अयोध्या विकास पार्टी के सचिव सत्य प्रताप भी पहुंच चुके हैं। पूरी मुस्तैद भद्रासा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, रास्ता सकरा होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम दिखाते हैं आपको तस्वीर है किस तरह से मूव कर रही है बुलडोजर, थोड़ी सी तालाब के किनारे थोड़ा हम दिखाएंगे, तालाब दिखाएंगे आपको किस तरह से तालाब के किनारे ये बुलडोजर खड़ा है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तालाब के किनारे ये बुलडोजर खड़ा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन उस दिक्कतों को दूर करने के लिए बुलडोजर ड्राइवर अपना प्रयास कर रहे हैं। हालांकि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। पीड़ित परिजन से मिले थे, मुख्यमंत्री अंग्रेज के आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होगी और उसी कार्रवाई के तहत ये पहली वानगी भद्रासा में देखी जा रही है। बिल्कुल, तीन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई। लेकिन केवी कल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पीड़ित परिवार भी पहुंचा था और साथ ही जो लड़की है उसकी मां की तरफ से यही मांग की गई थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो क्या कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे बुलडोजर एक्शन के? देखिए बुलडोजर को एक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि बगल में तालाब है, तालाब में पानी भरो की बरसात का मौसम है, तालाब में काफी पानी भर हुआ, उसी तालाब के किनारे तालाब की जमीन पर बेकरी का निर्माण हुआ था और अब सकरे रास्ते में बुलडोजर को लाया गया है। हालांकि एक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि बुलडोजर मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालांकि ड्राइवर पूरा प्रयास कर रहा है मूव करने के लिए और अब मूव कर भी रहा है। तो जिस तरह से कार्रवाई का आश्वासन दिया था सीएम योगी ने और उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई, चारों तरफ से मोहित को जो है घेराबंदी की गई, चाहे वो चेयरमैन हो जो सुलह का दबाव डाल रहे थे, पीड़ित परिजन के पास जिला अस्पताल पहुंच गए, तो उनके खिलाफ भी कुतवाली नगर में एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जिस तरह से दुष्कर्म का जो ये अंजाम दिया गया था मोहित खान के नौकर द्वारा, राजू द्वारा, तो कुल मिला के वो दोनों जेल में है और अब बुलडोजर एक्शन के मूड में है। हालांकि थोड़ी फिर दिक्कत आ रही है, अभी जो है वो एक्शन के मूड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जेसीबी को मोड़ कर मोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि तालाब के बगल में रास्ता है और रास्ते बगल में बेकरी है। तो कुल मिला के थोड़ी देर में थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन प्रयास पूरा है। बिल्कुल केवी, जगह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा सकरा नजर आ रहा है, अब बेकरी और तालाब के बीच में जगह काफी कम है। तो ऐसे में अब अधिकारी मौके पर मौजूद है, किस तरह से आगे की प्लानिंग की जा रही है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? देखिए रास्ता सकरा होने का कोई दिक्कत आ रही है, अब जो है बुलडोजर को जेसीबी को थोड़ा मूव करने का प्रयास किया जा रहा है, ड्राइवर पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि जो है बगल में तालाब है, बरसात का मौसम है और तालाब में काफी पानी भरा हुआ है और जमीन भी थोड़ी सी बरसात के कारण थोड़ा दलदल है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लेकिन प्रयास पूरा है। थोड़ी दिक्कत आ रही है, अधिकारी इसका है इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किस तरह से उसको मूव कराया जाए, हो सकता है कि रुक जाए। तो अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तालाब के किनारे ही ये बेकरी बनाई गई है और साथ ही जो जांच की गई थी उसमें ये स्पष्ट हुआ कि तालाब की जमीन ही है जहां पर बेकरी बनाई गई है और थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी एक्शन की शुरुआत थोड़ी देर पहले हुई लेकिन रास्ता काफी ज्यादा सकरा है जिसके चलते जो टीम को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब दूसरी जगह से कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी
और तस्वीरें हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, साथ ही सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। के भी क्या रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कल ही सीएम से मुलाकात होती है पीड़ित पक्ष की और आज बुलडोजर एक्शन हो गया है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी हो रही मामले को लेकर, तो क्या किसी तरह के कोई रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं? देखिए, रिएक्शन की बात करें तो सपा का कोई भी शख्स जो है सामने नहीं आ रहा है, बयान नहीं दे रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि क्या करना है। सपा के नेता ने रात में सुलह करने का प्रयास किया था, धमकी भी दी थी, पैसे का प्रलोभन दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। तो पुलवामा के जो यहाँ जो भदरता इलाका, हमको बता दें कि भदरता इलाका माहौल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए भारी मात्रा में पूरे कस्बे में पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई दिक्कत न हो। इस तरह से जो ये मामला आया था गैंगरेप का, उसमें हिंदू संगठन भाजपा के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय जनता परिषद ने भी मोहता समारा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, और एफआईआर दर्ज होने की देरी अब बता दें आपको 30 घंटे बाद दर्ज हुई हुई, क्योंकि जो मेन आरोपी मोहित खान है उसी की बिल्डिंग में भदरता पुलिस चौकी खुली थी। पिछले 2012 से ये खोली गई थी, जब 2012 में पैदा हुए दंगा हुआ था, दंगे के दौरान भदरता प्रभावित हुआ था, उसी दौरान चौकी खोली गई थी। तो चौकी भी आरोपी मोहित खान की बिल्डिंग में ही खोली गई थी, और जब एफआईआर दर्ज हुई तो रातों रात पुलिस ने चौकी को खाली कर दिया, और अब उसकी भी जांच की जा रही है कि जो बिल्डिंग जिस पुलिस चौकी थी वो जमीन किस तरह की है, उसका स्वभाव कैसा है, मूल रूप कैसा है उसका जमीन का, तो उस जमीन की भी जांच की जा रही है, अगर वो भी एक अवैध मिला तो उसको भी ढहाया जाएगा। कुल मिला के जो बुलडोर का एक्शन है अभी रोक दिया गया है, क्योंकि मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मूवमेंट में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है बुलडोजर को, और साथ ही दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर बेकरी का जब सामान बाहर निकाला जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। साथ ही के भी हम देख पा रहे हैं मौके पर कई पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, अधिकारी भी इस वक्त मौके पर हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कार्रवाई को लेकर। देखिए, हम सुरक्षा की बात करें तो चूंकि भदरता मुस्लिम बाहुल इलाका है, सुरक्षा पुख्ता इंतजाम के लिए है, भदरता की गली गली में फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो फोर्स को लेकर ही यहाँ पर सारे मूवमेंट किए जा रहे हैं, सारी कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं बुलडोजर जो है मौके पर खड़ा, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तो कुल मिला के थोड़ी देर में एक्शन शुरू होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, किस तरह दिक्कत आ रही है। हम यहाँ उसी का प्रयास करते हैं कि किस तरह यहाँ दिक्कतें आ रही है। टकरा रास्ता देखिए, रास्ता बहुत ही खतरा है और बरसात का मौसम जो है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ देखिए भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं, तालाब है ना, तालाब को जो जमीन मिल रही थी इसलिए। अच्छा, ये बुलडोजर की ड्राइवर है, कह रहे हैं कि बरसात का मौसम है, जमीन गीली है, जिसके कारण जो है बुलडोजर का पहिया जो है बैठ गया है, तो अभी मूवमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आइए देखते हैं कि तालाब से किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही है। आइए हम दिखाते हैं आपको तस्वीरें, चौकी बनाई थी और उसी चौकी को आज ये बरसात का मौसम है और तालाब का किनारे है, ये देखिए ये तालाब का किनारा है, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, आपको हम कैमरा मैन से कहेंगे वो दिखाएं जरा, आप देखिए किस तरह से जो है जमीन जो है ये बुलडोजर का पहिया देखो धस गया है, बैठ गया है, क्योंकि दलदल है जमीन पे। ये देखिए बुलडोजर का एक पहिया जो है वो जमीन में धस गया है, बगल में तालाब है, जमीन दलदल है, अब ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि दूसरा बुलडोजर मंगाया जाए, उस पर भी विचार किया जा रहा है ताकि मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। दूसरे बुलडोजर की भी बात की जा रही है कि जिस तरह से ये बुलडोजर के पहिया बैठ गया है, तालाब के किनारे पर है, जमीन दलदल है, बरसात के मौसम है, तो इस पर भी अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि क्या दूसरा बुलडोजर मंगाया जाए, हो सकता है कि दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पर पहुंच सकता है। जी, लेकिन केबी इस पूरे मामले को लेकर और किस तरह के अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन तो हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा दो नाम और भी सामने आए थे, उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये तालाब की जमीन है जहां पर बेकरी बनी है, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन का भी बार बार जिक्र हो रहा है, तो कब्रिस्तान की जमीन पर क्या मकान बनाया गया है, उस जमीन को लेकर क्या अपडेट है, क्या वहां पर भी कोई संपत्ति है मोहित खान की जिस पर बुलडोजर एक्शन होना है? यही तो केबी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, बारिश भी हो रही है, ऐसे में जो मिट्टी है वहां पर बुलडोजर जब पहुंचा सड़क पर तो जमीन नीचे धंस गई, जिसके चलते अभी ये माना जा रहा है कि
जो कार्रवाई है उसकी प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस किए जाएंगे, तो क्या केबी अब ये माना जाए कि दूसरा बुलडोजर यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होगी? विजुअल बनेगा, देखिए हम अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ रही है, साहब क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, क्या ये भैया धस गया का दूसरा दूसरी भी आ रही है? देखिए दूसरा भी बुलडोजर वगैरह के सीईओ था ने बताया कि दूसरा बुलडोजर भी बुलाया गया है, दोनों बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल जो इस तरह से बुलडोजर का पहिया बैठ गया है तो दूसरा बुलडोजर भी यहाँ मौके पहुंचने वाला है। हालांकि कार्रवाई दोनों से होगी ये बताया जा रहा है। जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई थी थोड़ी सी धीमी हुई है क्योंकि बरसात के मौसम कारण जो रास्ता है वो सकरा भी है और थोड़ा दलदल हो गया है, तो अब दूसरे बुलडोजर की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही दूसरा जो बुलडोजर है वो मौके पर पहुंचेगा, तो देखना ये होगा कि कार्रवाई किस तरह से हो रही है। जिस तरह से सीएम योगी से परिजन मिले थे, सीएम योगी ने भी आश्वासन दिया था कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसी की कड़ी में ये पहली कार्रवाई है जब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कुल मिला के बुलडोजर थोड़ा रुक गया है, दूसरे बुलडोजर की व्यवस्था की जा रही है। जी, तो दूसरा बुलडोजर के भी कब तक पहुंच जाएगा यहाँ पर, और साथ ही मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि जानकारी ये भी आ रही थी कि मौसम भी ठीक नहीं है वहां पर? देखिए मौसम की बात करें तो हवाएं तेज चल रही हैं और हल्की सी बदली, कभी धूप खुल रही है। हालांकि मौसम ठीक है, लेकिन जो पिछली बरसात हुई थी बरसातों के कारण तालाब में पानी भर गया था और तालाब के बगल जो रास्ता है वो सकरा है, दलदल भी हो गया, इस कारण बुलडोजर को कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए दूसरा बुलडोजर बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में दूसरा बुलडोजर मौके पहुंचा। जैसा अभी अधिकारी ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बुलडोजर मंगाया गया क्योंकि पहला जो बुलडोजर आया था वो सकरे रास्ते के कारण दलदल जमीन होगा, उसका एक पहिया जो है वो धस गया है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कुल मिला के दूसरे बुलडोजर का इंतजार हो रहा है, दूसरे बुलडोजर को दूसरे दिशा से दूसरे गेट से सरेंडर कराया जाएगा। तो थोड़ी देर में दूसरा बुलडोजर भी मौके पर पहुंच जाएगा जिसके बाद में कार्रवाई शुरू की जाएगी, और पहला जो बुलडोजर पहुंचा था वो मिट्टी में धंसने के चलते अभी फिलहाल जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है। केबी जरा मौके पर किस तरह के हालात है उसके बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम भी किए गए हैं, कई अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। अब क्या इंतजार किया जा रहा है, दूसरा बुलडोजर आएगा उसके बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी, या फिर अभी जो बुलडोजर मौके पर मौजूद है उससे भी प्रयास किए जा रहे हैं? बंद कर दी गई है, सबको अंदर कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पूरे गली मोहल्ले में फोर्स डाल कर दी गई है, बदासा के जितने भी दुकानें हैं सब बंद कर दी गई हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको घरों में रहने कहा दिया गया कि वो बाहर न निकलें। जितनी दुकानें थी मदरसा में किसी भी समुदाय की हो वो सभी दुकानें बंद कर दी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो, और मदरसा की मोहल्ले गली में फोर्स तैनात की गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अब जल्द ही दूसरा बुलडोजर पहुंचने वाला है, और जो पहला बुलडोजर आया था उसको भी स्टार्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है, कोशिश की जा रही है ताकि उसका पहिया निकल सके। ड्राइवर फिर एक बार कोशिश कर रहा है, हम आपको विजुअल दिखाते रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हो उसकी पल पल की सूचना, पल पल का जो यहाँ पे वो है अपडेट है आपको देते हैं। मिला के ड्राइवर फिर पुनः प्रयास कर रहा है, दोबारा प्रयास कर रहा है कि उसको निकाला जाए। हालांकि दूसरे बुलडोजर का इंतजार है, 10 से 15 मिनट लग सकता है दूसरा बुलडोजर आने में। तो कुल मिला के कार्रवाई सख्त होनी है और उसके लिए पूरी मुस्तैदी से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। और आप नजर बनाए रखिएगा कि भी आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, और यहां पर वक्त हो गया।